हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटे। बेटे लास्ट क्लास के अंदर आपने डिस्कस किया सीगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, जिदे अंदर आपने प्रोसेस डिस्कस करी सी कि प्लांट्स के अंदर प्रोसेस है जिहड़ी उहदा नाम है फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। आपने कहा सीगा कित्थे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। क्लोरोप्लास्ट कित्थे प्रेजेंट है, लीव्स दे ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स ने, मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्रीन स्ट्रक्चर्स ने। ठीक है, फिर आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस है जिहड़ी ये दो स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। लाइट रिएक्शन जिन्हों मैं कल किया सीगा, इट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फिर आपने किया सीगा डार्क रिएक्शन विच इज़ लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन, इट इज़ लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट दे अंदर की होया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ सनलाइट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। क्लियर, देन डार्क रिएक्शन दे अंदर की होया सीगा, डार्क रिएक्शन दे अंदर जो एनर्जी बनी है वो एनर्जी यूटिलाइज होके ग्लूकोज फॉर्म हुंदा रहिंदा। ठीक है, दिस विल गो एंड गो एंड देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, दिस वॉज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, नाउ हुन अज आप की डिस्कस करांगे बेटे, वी विल डिस्कस द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वी विल गो विद द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये अंदर बेटे फाइव स्टेप्स होंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स केड़े तरह का है, आपको पता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, आई गो वेरी स्लो ताकि थोड़ा कोई भी कंसैप्ट है जोड़ा वो छुट्टे ना। क्लियर, तो न्यूट्रिशन कल मैंने बेटे मीजो, पहले मैंने लीफ दी क्रॉस सैक्शन की डायग्राम दसी सी जिदे अंदर मैं मीजोफिल सैल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, फिर आप क्लोरोप्लास्ट को भी एक्सपैंड करके देखा सी, यानी कि हूँ तक आपने एक रिएक्शन की है, दो डायग्राम्स कीतियां ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इवन वी कैन से थ्री डायग्राम्स ही कीतियां ने। वन इज क्रॉस सैक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सैक्शन ऑफ लीफ किता इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेबल करना आ सकता है। ठीक है, उस तो बाद आ जाओ बेटे नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, लेबल करना भी आ सकता है, बनाना भी आ सकता है। थर्ड इज द वट आर स्टोमैटा, वेयर दे आर लोकेटेड एंड वट इज देयर फंक्शन। थर्ड डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ स्टोमैटा, याद है ना, वो भी मैं बनवाई सी लास्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के अंदर पोर प्रेजेंट है, पोर सेल दे सराउंड, पोर दे सराउंडिंग च गार्ड्स ने, गार्ड्स दे सराउंडिंग च सबसिडरी सेल्स ने। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड डायग्राम, तीन डायग्राम्स अपनी हो चुकी ने। क्लियर है, तो तीनों डायग्राम्स सबन बनानिया आनिया चाहिए ना, मैं किसी भी क्लास के अंदर डायग्राम्स बनवा के देखूंगी, चाहे मैं बोर्ड पर बनवाव, चाहे मैं नोटबुक पर बनवा ला। ठीक है, तो उस तो बाद बेटे नाउ द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हाउ द न्यूट्रिशन अकर्स इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर आप कह दें कि हेटरोजोइक, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने फर्स्ट क्लास च किया हेटरोट्रॉफिक मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के उपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर, हूँ डिपेंडेंट के अंदर भी आपने क्या हेटरोट्रॉफिक भी तीन तरह का सीगा, केड़ा केड़ा सीगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वी हैव इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बैक्टीरिया दी बॉडी दे अंदर हुंदा है। ठीक है, यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स ने दे आर, जो तो डेड ते डिपेंडेंट है वो सेप्रोफिटिक है, लाइक फंगस मैं एग्जाम्पल भी दिती सीगी, एंड पैरासिटिक जो दूसरे दी बॉडी दे अंदर जाके डिजीज कॉज करदा है, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर,
ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਡੀਟੇਲਸ ਆਫ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ 3 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਸਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ, ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦ ਟਰਮਸ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਈਟਿੰਗ ਦ ਫਲੈਸ਼, ਲਾਈਕ ਲਾਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹਰਬੀਵੋਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਓਮਨੀਵੋਰਸ। ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਿਊਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਿਓਰਲੀ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਰਬੀਵੋਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਈਟ ਕਰਨ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 5 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ 5 ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਸਟੈਪਸ ਨੇ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਜੈਸ਼ਨ, ਇਨਜੈਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਈਜੈਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਹੀ 5 ਸਟੈਪਸ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨੇ, ਆਹੀ 5 ਸਟੈਪਸ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਇਨਜੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਫੂਡ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟ ਸਮੇਤ ਹੀ ਫੂਡ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਫੂਡ, ਕੁਛ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਅਮੀਬਾ, ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਜੈਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਫੂਡ ਨੂੰ, ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਮਾਊਥ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ ਦਾ ਇਨਜੈਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੂਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੂਡ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਾਂਗੇ? ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਾਡੀ ਉਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਏਟੀਪੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ ਨਾ, ਅਗਰ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਟੀਪੀਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਕਲੀਅਰ? ਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜੋ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਸਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਵੇਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਜੈਕਟਿਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਥਰੂ ਦਾ ਐਨਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ ਈਜੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਐਨਸ, ਬਟ ਕੁਛ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਲਾਈਕ ਅਮੀਬਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਊਥ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨਸ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ? ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਜੈਸ਼ਨ ਬੋਥ ਵਿਲ ਗੋ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕਿਨ, ਔਰ ਬੋਥ ਵਿਲ ਗੋ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? 5 ਸਟੈਪਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ 5 ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਦਾ ਬਾਡੀ ਆਫ ਦਾ ਲੋਅਰ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਇਹ 5 ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਡੀ ਆਫ ਲੋਅਰ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਅਰ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ,
न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने आ फाइव दे फाइव स्टेप्स ही आप अमीबा दे अंदर देखते हैं हाउ वी विल गो इन द बॉडी ऑफ द अमीबा। क्लियर, अमीबा की बॉडी की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अमीबा तुम आई थिंक सो सैवंथ एट्थ क्लासेस तो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें हो। तुम कहें हो भी वो बॉडी की कोई शेप नहीं है, ठीक है। आदि बॉडी का साइटोप्लाजम है, साइटोप्लाजम के अंदर ये कुछ एंजाइम्स पे है, आदि सैल मैमब्रेन है। दिस इज सैल मैमब्रेन एंड दिस इज साइटोप्लाजम, ठीक है जी। साइटोप्लाजम के अंदर की प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट ने। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है जी। हुण की होया, इन्हें कोई फूड देखा, अमीबा ने की देखा, कोई भी फूड देखा। जिहड़ी इहदी मैमब्रेन है ना, वह बड़ी इंट्रस्टिंग है, वह सूडोपोडियाज होंगे ने, मतलब इट कैन चेंज इट्स शेप। और जिवें आपां पानी फेंक या कोई जैली लगा लो, जैली फेंकी बच्चे ने, वह कोई भी शेप लै लैंदी है, ठीक है। वह कदे तो उन्हें ज़्यादा अपने पैर फैला ले, कदे उन्हें घट फैलाए, सेम टू सेम ये अंदर भी हुई है। तो ये अंदर फॉल्स फीट्स आर देयर, जिन्हों आप कहने दीज फॉल्स फीट्स आर नोन एज द स्यूडोपोडिया। वट विल हैपन फर्स्ट, ये तो यदि डायग्राम है, यह तो अमीबा की बॉडी है जनरल, ठीक है जी। हुण इन्हें कोई फूड पार्टिकल देखा, वट विल इट डू, ये अपने सूडोपोडियाज नू उस फूड के अराउंड इकट्ठा कर लेंदे, ठीक है। यानी कि अगर आप इतने डायग्राम टू बनावा, मैं दिस इज डायग्राम टू, इन्हें की किया आ फूड सीगा, आदि सूडोपोडिया उस फूड के अगे आ गए, ठीक है। हुण ये अपने आप नू पूरी तरह क्लोज कर लूगा, इत्थे आ चीज़ पूरी तरह क्लोज होगी, आ फूड पार्टिकल अंदर चला गया, अंदर गया, ये विक्योल्स दे नाल कंबाइन करदे हैं, मतलब वी कैन से कॉन्ट्रैक्टाइल विक्योल टाइप चीज़ होंदी है, ठीक है, इन्हां दी बॉडी दे अंदर, ठीक है। उहदे अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट, इट विल गो एंड फॉर्म द कॉम्बीनेशन विद सच स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपां ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स ने जिहड़े उह इहदे अंदर आ जाणगे। क्लियर, एंजाइम्स विल कम, फर्स्ट स्टेप हो गया, इनू आपां की किया इंजेशन, फूड अंदर चला गया बॉडी दे। हुण सैकेंड एक्ट की होगा, सैकेंड विल बॉडी दे एंजाइम्स दे विल एक्ट अपॉन द फूड पार्टिकल एंड फूड विल गेट डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द अमीबा। सैकेंड डायग्राम, ठीक है। थर्ड डायग्राम की होया, वेयर आई शुड मेक, आई एम इरेजिंग इट एंड मेकिंग द थर्ड डायग्राम, ठीक है। थर्ड डायग्राम के अंदर की होगा बेटे, आही कॉन्ट्रैक्टाइल विक्योल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया, हूँ वह फूड यदि बॉडी के अंदर पहुँचना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। फूड बॉडी के अंदर पहुँच गया, हूँ पिछे भी तो कुछ लैफ्ट ओवर फूड रहेगा ना। थर्ड स्टेप इज एबजॉर्प्शन, हूँ उस एबजॉर्ब्ड फूड तो इतने एनर्जी बननी शुरू होगी, इन्हें एटीपी बनाने शुरू करते। क्लियर, नाउ लास्ट स्टेप विल बी, जो यह वेस्ट मटीरियल वाला वेक्यूल है, इट विल कम नियर द मेम्ब्रेन एंड विल रिलीज द वेस्ट पार्टिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। क्लियर है, बर्स्ट होके अपने वेस्टफुल पार्टिकल्स नू बॉडी चो बाहर दे दूगा। दिस इज द होल स्टेप, फर्स्ट इज द डायग्राम ऑफ अमीबा। फर्स्ट तो बाद अगर आप स्टेप्स शुरू करिए, तो दिस इज इंजेशन, दिस इज डाइजेशन, बॉडी दे एंजाइम्स ने एक्ट करना शुरू किया। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, कट्ठा लिख दो चाहे उन्होंने, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, बॉडी दे अंदर फूड गया, बॉडी ने उहदे तो एनर्जी बनाना स्टार्ट करता, ठीक है। और उस तो बाद की होया, फाइनली जो लास्ट वेस्टफुल मटीरियल है, दैट विल कम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमीबा। क्लियर है बेटे, तो दिस इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन द बॉडी ऑफ द लोअर ऑर्गेनिजम्स। हाउ द न्यूट्रिशन अकर्स इन द बॉडी ऑफ द लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। क्लियर है बेटा जी, सबनों ओके है, किसी बच्चे नु नहीं क्लियर होया तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, ठीक है जी। क्लियर, और यू कैन आस्क मी इन द एंड ऑफ द क्लास, हजे अपने दिमाग के अंदर स्टोरेज बनाते जाओ, फिर यू कैन आस्क मी इन द एंड, जब विच भी पूछोगे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ठीक है। नेक्स्ट की है बेटा जी, नेक्स्ट की है, हुन है आप डिस्कस करना की है, मेन अपना इस चैप्टर का टारगेट की है, न्यूट्रिशन इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन्स, ठीक है। हुन आप की स्टार्ट करांगे, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की दे अंदर शुरू करांगे, ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर शुरू करांगे।
ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर भी न्यूट्रिशन दे आही फाइव स्टेप्स ने, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी आही सेम टू सेम फाइव स्टेप्स ह्यूमन बॉडी फॉलो करती है। पहले इंजेशन हुई, फिर की होया डाइजेशन, डाइजेशन तो बाद की होंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन तो बाद की हो जाते इजेशन ऑफ द फूड। क्लियर? पर अपनी बॉडी है ना जड़ी ओ अमीबा की तरह सिंपल नहीं है, दैट इज नॉट सिंप्लीफाइड लाइक द अमीबा। आर बॉडी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इट हैज सीरीज ऑफ चैनल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन दी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है दैट इज कंप्लीट काइंड ऑफ द सिस्टम। वट इज कंप्लीट सिस्टम? जिदे को माउथ भी होए ते एनस भी होए, तुसी क्लास 9th दे अंदर एनिमल किंगडम च पढ़िया होने वट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे कि ऑरगैनिजम ने माउथ तो खाया एंड एनस तो इजेक्ट किया, मतलब फूड माउथ चो ही वापस नहीं आया। बट देयर आर सम काइंड ऑफ द ऑरगैनिजम्स जिन्हां दे अंदर इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी होंगे, जिन्हां दे अंदर माउथ चो ही फूड जाता है एंड माउथ चो ही फूड वापस आ जाता है, दे डू नॉट हैव द सेपरेट ओपनिंग फॉर दैट। ठीक है, हुन अपने कोल ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर कुछ सीरीज ऑफ सिस्टम्स ने जिहड़े ओ अटैच्ड होंगे ने। क्लीयर? केड़े केड़े ने? पहले आप उन्होंने एक फ्लो चार्ट देखते हैं, फिर आप उन्होंने वन बाय वन डायग्रामेटिकली डिस्कस करांगे। ठीक है, फर्स्ट इज फूड कित्थे जांदा है? माउथ, माउथ कोल जांदा है ना फूड, दिस इज माउथ। हुन हुंदा की है बेटे, सब तो पहले ना जिहड़ा माउथ है उहदे बाहर दो लिप्स प्रेजेंट हुंदे ने, लिप्स खुलदे है तां फूड अंदर जांदा है, अंदर एक आ करके कैविटी क्रिएट हो जांदी है ना, एक छोटा बच्चा आ करके दिखांदे तां विच कैविटी हुंदी जिहदे अंदर टीथ भी है, टंग भी है, पैलेट भी है, सब कुछ है, सच इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी, बकल कैविटी तो नीचे फूड है जिहड़ा वो फेरेंक्स कोल जांदा है, हेयर विल बी द फेरेंक्स। फेरेंक्स अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम च भी पढ़ांगे, डाइजेस्टिव सिस्टम च भी पढ़ांगे। फेरेंक्स की है? एक कॉमन पाथवे है जिहड़ा सिर्फ फूड नू नीचे डिलीवर करन च हेल्प कर रहा है, उधरों दी सांह नू नीचे डिलीवर कर रहा है, इधरों दी फूड नू नीचे डिलीवर कर रहा है। ताई कहंदे ना कि खाना खांदे टाइम बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, वो फूड है जिहड़ा वो गलती नाल नोज़ दे थ्रू, या जिवें आपां पानी पी रहे आपां हस रहे हां जोर जोर दी, वो फिर नोज़ दे अंदर चला जांदा है। ठीक है, तो दैट इज़ द फूड द बैक थ्रो हो जाना, विंड पाइप से जाना इस, वो मैं दसूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम दे अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ माउथ, आपां जनरल जनरल टर्म्स पढ़ते हैं, आपां बकल कैविटी है जिहड़ा वो तुहानूं समझाऊंगी जरूर, बट इत्थे आपां सिंपल माउथ लिखांगे। क्लीयर? माउथ तो बाद फूड कित्थे जाऊगा बेटे? माउथ तो बाद फूड विल मूव टू द फेरेंक्स। फेरेंक्स तो बाद फूड कित्थे जाता है? एक पाइप आती है, देयर विल बी द पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो कितों शुरू हुई? वो इतों शुरू हो जाती है, थोरैसिक कैविटी चो आती है, दिस इज थोरैसिक कैविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस इज एबडोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी। सैकेंड लास्ट जिथे रीप्रोडक्टिव सिस्टम आता दैट इज़ द पैल्विक कैविटी ऑफ द बॉडी। तीन कैविटीज़ ने ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लीयर? तो ये ईसोफेगस इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि फेरेंक्स चो अपने थोरैसिक कैविटी चो स्टार्ट होके एबडोमिनल कैविटी तक पहुँचती है, नीचे नहीं जाती, उपर ही रह जाती है। ठीक है, ईसोफेगस ओपन कि अंदर होंगी है? ईसोफेगस विल ओपन इन टू द स्टामक, ईसोफेगस विल ओपन इन टू द स्टामक एंड स्टामक चो फूड कितने जाता है? स्मॉल इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन चो कितने जाता है? लार्ज इंटेस्टीन एंड देन इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। क्लियर? हुन देखो वही फाइव प्रोसेसेस पढ़ांगे, माउथ इंजेशन, इंजेशन फेरेंक्स चो भी इंजेशन हो जा रही है, ईसोफेगस भी इंजेशन ची हेल्प कर रहे हैं, बट माउथ है ना जेड़ा, माउथ की बकल कैविटी है ना जेड़ी, थोड़ी जी डाइजेशन च भी हेल्प करती है, लिटल बिट ऑफ डाइजेशन विल टेक प्लेस ओवर देयर। उस तो बाद डाइजेशन का मेन पार्ट आंदा है स्टमक दे अंदर, उस तो बाद जो रिमेनिंग पार्ट आंदा डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टीन दे अंदर। ठीक है, फिर अपने कोल हुंदी है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टीन करता है, मेनली मेनली एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टीन एंड देन थ्रू द लार्ज इंटेस्टीन फूड इज इजेक्टेड
आउट ऑफ द बॉडी। हुण तुसी कहोगे विच असिमिलेशन तो आया ही नहीं हैगा, जदों फूड बॉडी च एब्जॉर्ब हो गया तो बॉडी उसकी एनर्जी ही बनाऊगी ना, दैट इज़ द असिमिलेशन। क्लियर? तो वी विल गो थ्रू ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन। ठीक है जी, तो हुण आ जाओ फर्स्ट ते। आप अज पहला तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तुसी अपनी अपनी सारे नाल नाल नोटबुक्स के उपर डायग्राम जिन्हों आती है जिन्हों नहीं आती सारे ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दो, सो दैट वी विल गो विद द फोर्थ डायग्राम ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुण तुहानूं पेपर के अंदर डायग्राम आता किवें, पहले मैनूं यह सुन लो। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एग्जाम के अंदर जो तुहानूं डायग्राम पूछा जाता है बेटे, वो तुहानूं डायग्राम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनया बनाया आंदा एग्जाम के अंदर। तुहानूं क्वेश्चन किवें आंदा, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डायग्राम लेबल ऑन इट, फिर वो तुहानूं पार्ट्स दिंदा स्टमक स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज इंटेस्टीन, लेबल दैम एंड दैन लेबल करन तो बाद उन्होंने एक फंक्शन लिखो, क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो थोनू मोस्ट ऑफ द टाइम जिहड़ा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आंदा उहदा डायग्राम पेपर च गिवन हुंदा एंड यू जस्ट हैव टू लेबल इट एंड यू हैव टू व्हाट यू हैव टू राइट द फंक्शंस ऑफ द डायग्राम। ठीक है जी, क्लियर? जिहड़ा भी पार्ट गिवन है उहदे फंक्शंस तुसीं लिख के आने हैं। क्लियर है बेटे सारियां नूं? हुण आपां डायग्राम ड्रॉ किवें करदे हां बेटे इस केस दे अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपां ने माउथ बना लिया, ये किसी भी परसन का नोज है, नोज के नीचे अपने को आ जाता है वी हैव इज द माउथ, नोज के नीचे की आ जाता है माउथ आ गया, दिस इज द माउथ। ठीक है, माउथ तो बाद आप अंदर गए, दिस इज परसन, माउथ तो बाद अंदर गए आ चीज़ आ जाती है थोड़ी फेरेंक्स, आप लेबल भी करते हैं नाल नाल। फेरेंक्स तो नीचे आए दिस विल बी द ईसोफेगस, दिस विल बी द ईसोफेगस। ईसोफेगस कितने आके ओपन हुई, जे शेप्ड स्टमक दे अंदर, इट विल ओपन इन द जे शेप्ड स्टमक। क्लियर है? स्टमक दे सामने कौन पे है, स्टमक दे सामने कुछ अपने को एवें द स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुंदा दैट इज नोन एज द लीवर। ठीक है, लीवर दे नीचे की प्रेजेंट हुंदा है कुछ एवें द स्ट्रक्चर हुंदा जिन्हों कहिंदे गॉल ब्लैडर, उहदे अंदर प्रेजेंट है। दोनों की कॉमन डक्ट आती है जो कि नीचे आके ओपन हो जाती है, इत्थे एक होर स्ट्रक्चर हुंदी है कॉल्ड एज पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास मैं लेबल करूँगी बेटे, आई लेबल ऑल द पार्ट्स। हुण ये स्ट्रक्चर नीचे ओपन हुई इंटू स्मॉल इंटेस्टीन, इत्थे स्पेस छड्ड लिए, इंटू स्मॉल इंटेस्टीन, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टीन एंड स्मॉल इंटेस्टीन विल ओपन इंटू द स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टीन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टीन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टीन, देन वी हैव इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड लार्ज इंटेस्टीन। लार्ज इंटेस्टीन विल ओपन इंटू द रेक्टम। ठीक है जी, क्लियर है? सबनों क्लियर है डायग्राम दे पार्ट्स? लेबल कर लो डायग्राम। लेबलिंग दे अंदर की आया, तुसी कहोगे मैम तुसी लिवर नहीं दस्या, पैनक्रियाज नहीं दस्या, गॉल ब्लैडर नहीं दस्या, पहले दसन लगे था, आई लेट यू नो लेटर ऑन जिमें जिमें पार्ट्स आएंगे, हुने दसूंगी तो सब की खिचड़ी हो जूगी, कुछ भी नहीं पता चलना, वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। ठीक है बेटा जी, तो अपने कोल की आया, दिस वॉज माउथ, माउथ, दिस इज फेरेंक्स एंड दिस इज ए लॉन्ग पाइप कॉल्ड एज ईसोफेगस, ईसोफेगस। ईसोफेगस दे नीचे आया जे शेप्ड स्टमक, स्टमक दे सामने की प्रेजेंट है लीवर, लीवर दे नीचे प्रेजेंट हुंदे गॉल ब्लैडर, जनरली लेबल करन चाहुंदा हुंदे गॉल ब्लैडर। स्टमक दे इधरली साइड ते की प्रेजेंट है पैनक्रियास, उस तो नीचे की प्रेजेंट है दिस इज लार्ज इंटेस्टीन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टीन एंड दिस इज रेक्टम।
इफ यू आर ओके विद द डायग्राम, सारे नु डायग्राम क्लियर है बेटे? जे डायग्राम क्लियर होगी तो अद्धा सिस्टम अपने आप ही क्लियर हो जाऊगा, ठीक है? अगर डायग्राम ओके है तो हाफ ऑफ द सिस्टम विल बी ओके बाय इटसेल्फ, ठीक है? तो दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, माउथ तो बाद आया फेरेंक्स, फेरेंक्स तो बाद ईसोफेगस, स्टमक, दिस इज लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज अपने को आया पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के नीचे लार्ज इंटेस्टीन, अंदर स्मॉल इंटेस्टीन, एंड देन वी हैव इज द रेक्टम। क्लियर है टू एवरी वन? नाउ हूँ आप की करांगे बेटे, हूँ आप वन बाय वन सारे पार्ट्स डिस्कस करांगे। वी विल डिस्कस ऑल द पार्ट्स वन बाय वन। स्पेस है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ सब ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, आई एम इरेजिंग द डायग्राम, ठीक है? हूँ आप वन बाय वन चलांगे। वी आर गोइंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। क्लियर? वी आर गोइंग विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मैं फर्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ ह्यूमन बींग्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट माउथ, माउथ है ना जेड़ा बेटे, इट हैज मैनी ऑफ द पार्ट्स इन इट, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि सब तो आउटर साइड पर की प्रेजेंट है, सब तो आउटर साइड पर लिप्स प्रेजेंट ने, आउटसाइड पर की प्रेजेंट है लिप्स प्रेजेंट है। कुछ बुक्स के अंदर प्रॉपरली लिप्स नू भी डिफाइन किया हुआ है कि दे आर टू इन नंबर, पिंक इन कलर, सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर, दे विल ओपन एंड फूड विल एंटर इन द बकल कैविटी। आउट की आ गया, लिप्स आ गया, लिप्स के अंदर जावांगे तो अपन की मिलूगा बकल कैविटी। बकल कैविटी है ना जेड़ी, इहदे अंदर कई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने, मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर देयर, ठीक है? केड़े केड़े स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीथ ही प्रेजेंट ने, सेकेंड वी हैव इज द टंग इन इट, इस तो बाद अपने कोल की प्रेजेंट ने? पैलेट प्रेजेंट है। पैलेट दे नीचे एक होर, आपा पैलेट दे नीचे नहीं मतलब पैलेट दे नीचे मतलब लिखन लगे, ठीक है? पैलेट तो इलावा वी हैव इज द सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स इन इट। इंपॉर्टेंट इज सलेवरी ग्लैंड्स, स्टार बना लो, दो तीन चार जिन्हें मर्जी बना लो, ठीक है? इंपॉर्टेंट इज सलेवरी ग्लैंड्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? हुन सब तो फर्स्ट चलते हैं टीथ ते। टीथ है ना जेड़े ह्यूमन दी बॉडी के अंदर चार तरह के टीथ प्रेजेंट होंगे, हेट्रोडोंट, अलग अलग तरह के टीथ प्रेजेंट है। तो वी हैव इज वी आर हेट्रोडोंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर देयर, ठीक है? हुन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ ने जेड़े उन्होंने नाम की ने बेटे, आई एम राइटिंग हीयर, टीथ ने जेड़े उन्होंने नाम की है, इनसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है? ह्यूमन को दो तरह के सैट होंगे टीथ दे, टू सैट्स आर देयर। केड़े-केड़े दो सैट्स होंगे हैं? वन इज द मिल्क टीथ एंड वन विल बी द परमानेंट टीथ जो थोड़े को है हुन इस टाइम ते। मिल्क टीथ केड़े होंगे ने? जो छोटे बच्चे दे अंदर स्टार्ट होंगे एट द एज ऑफ 5-6 months, ठीक है? ओ रहते हैं अगेन सेम 5-6 years तक, उस तो बाद ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, दे विल ब्रेक डाउन एंड कम अगेन। केड़े नवे आते हैं? परमानेंट, एक बार टुटे दोबारा नहीं आएंगे।
ठीक है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਥ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਊਥ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਕਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਥਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਗਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਕਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਥ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਕ ਟੀਥ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਡਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ, ਬਾਇਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਫੋਰ ਗੋਟ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ 4 ਟੀਥਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, 2 ਇੱਧਰ, ਟੋਟਲ ਆਰ 4, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ, ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਕੈਨਾਈਨਸ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਲਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਾੜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਮੋਲਰਸ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ICM, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਇਨਸੀਜ਼ਰ, 1 ਕੈਨਾਈਨ, ਆ ਤਿੱਖੇ ਵਾਲਾ ਦੰਦ, ਲਾਈਨ ਲਾਈਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਫਲੈਸ਼ ਈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਕੈਨਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 1 2 ਬਾਏ 2 1 2, ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 1 2, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5, ਨੀਚੇ ਵੀ 5, ਟੋਟਲ ਇਜ਼ 10, 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 20। ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੈ? 20, ਕਲੀਅਰ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਸੇਮ ਆ ਜਾਓ ICPM, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਬਾਏ ICPM, 2 1 2 3 ਬਾਏ 2 1 2 3, ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 2 ਕਰਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 2, 2 1 2 5, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 × 2 32, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਯੋਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ? 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ, ਕੈਨਾਈਨਸ, ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਐਂਡ ਮੋਲਰਸ। ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 4 ਟੀਥ ਹੈ। ਕੈਨਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਟੀਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ, ਜੋ ਕੈਨਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਥ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ। ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਲਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਟੀਥ ਇਨ ਅਵਰ ਮਾਊਥ ਇਜ਼ 32, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਟੀਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟੇ? ਟੰਗ। ਟੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਟੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੋਕ। ਤਾਂ ਟੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਲੀ ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਕਿੰਗ। ਇਟਸ ਮੇਨ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਦੇ ਟਰਮ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫੂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ? ਟੇਸਟ ਵਰਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੰਗ ਦੇ 4 ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਵਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਥ, 1 ਇਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਥ,
रेस्ट विल बी ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टीथ एंड इन द साइड्स ऑफ द टीथ. तो आप चार तरह के टेस्ट नू फील करते हैं, ठीक है, स्वीट, सार, बिटर एंड वन इज द टेंगी. ठीक है, क्लियर है. तो अपने को फोर तरह के टेस्ट ने जेडे वो टंग लेंदी है. तो टंग के उपर की प्रेजेंट है, टंग इज ए हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग पार्ट, स्पीच पार्ट, स्पीच, इट हेल्प्स इन स्पीच एज वेल एज इट हेल्प्स इन द टेस्ट ऑफ द फूड. बट जेड़ा इहदा मेन फंक्शन है टेस्ट ऑफ फूड किवें करदी है, बाय द हेल्प ऑफ द बड्स प्रेजेंट ऑन इट. किन्ने तरह का टेस्ट कर दिंदी है, वी हैव इज द स्वीट, सॉल्टी, साउर एंड अपने कुल की आ गया बिटर. साउर इज बिटर, स्वीट, सॉल्ट, साउर, बिटर ही आऊगा, है ना, या इनू इत्थे टेंगी कर लो, साउर की जगह पर टेंगी. ठीक है, क्लियर, वी हैव इज द फोर. हूँ इहदा मेन फंक्शन की है बेटे, मेन फंक्शन टंग है ना, जिहड़ी जदों तुसीं फूड अंदर लैके गए कदे टंग नूं पकड़ लियो तो फूड उपर रखियो कि तुसीं फूड खा पाओगे, नहीं ना. टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड, जिवें एक सीमेंट मशीन हुंदी है ना, वो मिक्स करती रहती है, उपर नीचे घूमती रहती है. सेम इज़ अ टंग, कदे अगे आती है फूड नूं, कदे अगे मारती है माउथ के अंदर, कदे पिछे मारती है, कदे आपां साइड ते लै जांदे, आपां नूं जिथों टेस्ट आ रहा हुंदा फूड का आपां उत्थों उत्थों फूड का टेस्ट लैण की कोशिश करते हैं. तो जिहड़ी टंग है ना वो की करती है, फूड की मिक्सिंग के अंदर भी हैल्प करती है सलाइवा दे नाल, एंड विल टर्न द फूड इन टू द बॉलस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देती है ताकि वो ईजीली नीचे निगलिया जाए. हुण देखो तुसीं कई बार भुजिया खाने हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो कितना शार्प हुंदा है, शार्प ही है ना अकॉर्डिंग टू आवर फूड, वो शार्प है. जेकर मान लो तुहाडी टंग ना हुंदी ना सीधा अंदर जाता तो ईसोफेगस के अंदर होल ही क्रिएट कर देता शायद. ठीक है, तो जिहड़ी अपनी टंग है दैट मिक्सिस द फूड विद द सलाइवा एंड कन्वर्ट इन टू ए सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ताई कहिंदे ना फूड नूं ज़्यादा तो ज़्यादा च्यू करना चाहिए माउथ के अंदर, जिन्ना ज़्यादा देर फूड माउथ के अंदर रहूगा उन्ना ज़्यादा ही उस सलाइवा दे नाल उहदी मिक्सिंग होगी, उन्ना ही फूड सॉफ्ट होके नीचे चला जाऊगा. क्लियर, दैट इज़ वाई अपने पेरेंट्स कहिंदे हौली हौली फूड खाया करो, आराम नाल खाया करो, ये नहीं हैगा फूड अगे आया तो दो मिनट के अंदर प्लेट फिनिश, उहदा नुकसान आपां नूं ही है क्योंकि फूड की मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई. दैट इज़ वाई देखो किन्ने बच्चों डाइजेशन नाल रिलेटिड प्रॉब्लम्स हुंदियां ने, उहदियां प्रॉब्लम्स तां ही सॉल्व हो जांदियां जे अपना फूड प्रॉपरली सलाइवा दे नाल मिक्स होए. ठीक है, हुण आ जाओ बेटे पैलेट, पैलेट, पैलेट है जिहड़ा ए अपने टंग है ना, जिहड़ी टंग, टंग माउथ द फ्लोर बनाती है, फ्लोर ऑफ द माउथ, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द माउथ, एंड पैलेट है जिहड़ा दैट विल फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ, रूफ उपर वाली साइड. पैलेट के दो हिस्से होंगे, एक फ्रंट वाला पार्ट, एक बैक वाला पार्ट. जिहड़ा फ्रंट पार्ट है दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज हार्ड पैलेट. अपनी टंग नाल अपने माउथ का रूफ टच करके देखो तो फ्रंट साइड पर थोड़ा उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर्स मिलनगियाँ, दैट इज़ योर हार्ड पैलेट. अगर परमात्मा गॉड उत्थे अपना सॉफ्ट पैलेट लगा दिंदा देन वट हैपन्स, फूड ने प्रॉपरली मिक्स ही नहीं होना सी, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ नूं आपां मिक्स करना तो आपां नूं एक हार्ड सरफेस, रफ सरफेस चाहिदा हुंदा. ठीक है, तो रफ सरफेस के नाल फूड स्ट्राइक करता है एंड फूड प्रॉपरली मिक्स हो जाता है सलाइवा दे नाल. ठीक है, फर्स्ट इज़ द हार्ड पैलेट एंड बैक ऑफ द माउथ के अंदर सॉफ्ट पैलेट है. वाई देयर इज़ द सॉफ्ट पैलेट, ताकि वो फूड जिहड़ा आ गया जे पिछे हार्ड लगे हुंदा तो सोचो फूड नूं नीचे जान लगे प्रॉब्लम आती, उत्थे फूड फस जाता. हुण अपने अगे है, अगे अगर कुछ लगता भी है उपर तो आप टंग नाल उहनूं क्लीन कर लैंदे आ, टंग नूं पिछे ले जाके देखो जाती है बैक ऑफ द माउथ ते, नहीं जाती ना, फिर आप उत्थों किवें उतार दे. अपने माउथ के अंदर तो हर वेले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ग्रो होए रहिंदे क्योंकि फूड मिलता रहिंदा. ठीक है, सॉफ्ट पैलेट तां लगाया ताकि फूड ईजीली स्लिप हो जाए नीचे तो उत्थे कुछ अटैच भी ना होए उपर, माउथ का सरफेस क्लीनड रहे. ठीक है, दैट इज पैलेट, दैट इज पैलेट. क्लियर है बेटे,
ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ। ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ। 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਵਟ ਆਰ ਦੇਅਰ ਨੇਮਸ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਵਟ ਆਰ ਦੇਅਰ ਨੇਮਸ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਵਟ ਆਰ ਦੇਅਰ ਨੇਮਸ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਵਟ ਆਰ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਦਾ ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ? ਐਨੀਬਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਬੇਟੇ, ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ, ਐਨੀਬਡੀ? ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗਲੈਂਡਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਓ, ਈਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਈਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਲਾਈਵਾ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਥਰਡ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਕਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 3 ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਆਈ ਫੋਰਗੋਟ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਦ ਗਲੈਂਡਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਦਾ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦ ਗਲੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲੇਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ।